देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। सरकार के द्वारा चिट फंड कंपनियों को बंद तो कर दिया गया है, पर उसके बावजूद भी जिन निवेशकों का पैसा अटका है वह एजेंटों को परेशान करते हैं, जिसके चलते कई एजेंट आत्महत्या भी कर चुके हैं। वहीं कई FIR भी थानों में दर्ज हो चुकी हैं जो इन चिट फंड कंपनियों के मालिकों के खिलाफ हैं, लेकिन आज तक पुलिस किसी भी चिट फंड कंपनी के मालिक को नहीं पकड़ पाई। पकड़ में आते हैं तो वहां काम करने वाला स्टाफ और एजेंट। इन सभी की अक्की लड़ाई को लड़ रहे एक संस्था ने आज कलेक्टर पहुंचकर कलेक्टर राजेश जैन को ज्ञापन दिया कि जल्द से जल्द इस तरह की शिकायतों को निपटारा किया जाए और जो गरीब निवेशक हैं जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई इन चिट फंड कंपनियों में लगाई है उनका पैसा जल्द से जल्द वापस मिल सके। वहीं संस्था का कहना है कि जिस गति से जांच चल रही है उससे तो जब तक ये जांच पूरी होगी तब तक न जाने कितने एजेंट आत्महत्या कर चुके होंगे। मैं रानी शेख, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और चिट फंड से पीड़ित छोटे एजेंट व सैलरी बेस पे जो कार्य कर चुके स्टाफ हैं उन लोगों के हक की लड़ाई लड़ रही हूँ। और हर निवेशक, एक्चुअल जो निवेशक है, गरीब जनता, उनका पैसा हमें जल्दी से जल्दी चाहिए, क्योंकि लाखों लोग इतना परेशान हो रहे हैं कि आत्महत्या करने पर उतारू हो रहे हैं और प्रशासन ने कंपनियाँ बंद तो कर दी हैं, बाकी उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो उस तरह से हो नहीं पा रही है। तो निवेशक एजेंट को परेशान कर रहा है या जो स्टाफ बहुत सालों पहले काम करके छोड़ चुका है उसके खिलाफ FIR हो रही है, गलत धाराएं थोपी जा रही हैं और कंपनी मालिक डायरेक्टर अभी भी फरार हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और प्रदेश लेवल पे एक समिति का अलग गठन किया जाए जिसमें इन चिटफंड कंपनियों की विशेष तरह से जाँच हो, क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास में बहुत काम रहते हैं और हम लोग इन लोगों के सबकी, जितने भी एजेंट हैं, सबकी जान पर बनाई है। और धीरे धीरे अगर मान लो इस तरह से जांच होती रही तो कितने ही एजेंट मर जाएंगे, क्योंकि कई, मैं संस्था के माध्यम से कई लोगों से संपर्क कर रही हूँ, 3 प्रदेश पे मेरा चल रहा है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो एजेंट लोगों से जब मिलते हैं तो उनकी पीड़ा इतनी ज़्यादा है कि उनके लिए तो एक दिन निकालना भी मुश्किल हो रहा है। और इस तरह से स्लो प्रोसेस में अगर जाँच चलती रही तो बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेंगे। तो हमारा निवेदन है कि मतलब जल्दी से जल्दी ये बात आप लोग हम आगे तक पहुंचाएं और PM मोदी जी ने जिस तरह से कंपनियां बंद करी है तो उसकी जांच भी अति शीघ्र होनी चाहिए, बस मैं यही चाहती हूँ। बमोरी क्षेत्र से यादव समाज के लोग पहुंचे SP कार्यालय, जहां पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक निमेश अग्रवाल से डॉक्टर OP त्रिपाठी के खिलाफ मामला दर्ज करने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का आरोप है कि डॉक्टर OP त्रिपाठी ने षड्यंत्र पूर्वक कुछ आदिवासी लोगों को साथ में लेकर रातों रात अंबेडकर की प्रतिमा लगाकर इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया और जब इनके खिलाफ एक युवक ने मोर्चा संभाला तो उसके साथ मारपीट भी कर दी। इसी आशय की शिकायत लेकर आज यादव समाज के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस OP त्रिपाठी के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं और न ही मामला दर्ज कर रही है। जमीन जाती है, ये मामला है, ये बमोरी विधानसभा में दुलाराम यादव की जमीन है, यहाँ पे राजनीति षड्यंत्र है। OP त्रिपाठी ने हरिजन लोग इकट्ठे करके और अम्बेडकर भवन उनके नाम की जमीन में बनवा रहा है, रातों रात बनवा रहा है, रातों रात मूर्ति रख दी है, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये तहसीलदार साहब का स्टे था, वो भी उल्लंघन किया उनने और इनके पीछे पड़े तो इसके फोटो पता ही कहाँ है। देखो ये मोटरसाइकिल से गिरो हैं और आज तक जाके कोई सुनवाई नहीं हो रही। तुलाराम नाम है। जैन समाज द्वारा निकाला गया विमान उत्सव, जगह जगह हुआ जोरदार स्वागत। जैन आचार्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज के स्वर्णिम संयम महोत्सव एवं गुना नगर के पंचकल्याणक महोत्सव 2017 की प्रथम वर्षगांठ व वार्षिक विमान उत्सव आज से शुरू हो गया, जिसमें आज पहले दिन भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकली, जिसमें बैंड बाजों की धुन पर जैन समाज के बंधु थिरकते हुए दिखाई दिए। साथ ही शोभा यात्रा का विभिन्न जगहों पर भव्य स्वागत भी किया गया।
विभाग के जेई के साथ ठेकेदार द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना विगत दिवस की बताई जा रही है, जिसके बाद विगत शाम विद्युत विभाग के कर्मचारी बड़ी संख्या में सिटी कोतवाली पर एकत्रित हुए, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन देकर वहां से चलता कर दिया गया। लेकिन कार्रवाई न होने की शक्ल में आज फिर से कोतवाली पहुंचे, जिसके बाद सिटी कोतवाली द्वारा इस मामले में आरोपी के ऊपर FIR दर्ज कर ली गई। आपको बता दें कि लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं कि विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ कभी भी ग्रामीण और उपभोक्ता कोई ना कोई अभद्रता करता रहता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि कहीं ना कहीं विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों का बर्ताव भी आमजन के साथ अच्छा नहीं रहता कि कोई उनके साथ अच्छे से पेश आए। हालांकि जो कुछ भी हुआ वह गलत है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अभी वो हनुमान कॉलोनी वाले मुकदमा भी हुआ, हनुमान कॉलोनी में गया वो सरदार जेल लेके आया कि नहीं जेल लेके आया, उसमें पूछना ना, जो भी FIR कराने आए थे आपको कितना प्रॉब्लम किया, तीन चार बार ऐसा भी एडिशनल एसपी साहब के पास जो भी गया था मैंने जगह था इनको भिजवा दिया, तो नहीं बोला था क्लास वन ठेकेदार है। फिर आपके अधिकारी क्या कह रहे हैं? वो भी कह रहे हैं कि आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, उसका लाइसेंस जो धक्का दे दिया और थप्पड़ भी मारा। आपका शुभ नाम क्या? राजीव कुमार। शहर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने को लेकर आज नगरपालिका अध्यक्ष व गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में नगरपालिका अध्यक्ष ने 26 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिए गए उद्बोधन में गुना शहर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की बात को दोहराते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही शहर में अपने द्वारा किए गए कई प्रकार के कार्यों को यहां सलूजा ने गिनाया। वहीं गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने उनके द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्रों के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने गुना जिले को संभाग बनाए जाने की मांग के साथ साथ गुना में रिंग रोड व सब्जी मंडी संबंधित मांगों को बताया। साथ ही गुना में बनने वाले स्टेडियम के बारे में दोनों महानुभावों ने यहाँ भी बताया। चार किलोमीटर की परिक्रमा भी हम स्मार्ट सिटी में शामिल करेंगे, टेकरी की परिक्रमा के लिए स्मार्ट सिटी में हम शामिल करेंगे। तालाब के लिए कुछ हो रहा है जो शहर का एक मैं बात कर दूंगा, फिर आप पहुंचे सीहोर के जनप्रतिनिधि और आरोन के हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष सभी के पन्नालाल जी के सहयोग से करोड़ों रुपए की राशि से सिरोन से लेकर गुना भंडनपुरा के बाईपास तक एक सुंदर सड़क का निर्माण कार्य माननीय विधायक जी के सहयोग से हुआ है, वो करोड़ों रुपए की राशि से हुआ, क्योंकि माननीय विधायक जी का पार्ट आरोन के बरखेड़ा से पहले से शुरू हो जाता है, वहां से लेकर भुल्लनपुरा के चौराहे तक एक सुंदर सड़क का निर्माण कार्य करोड़ों रुपए की राशि से हुआ है। उसमें नगर पालिका सुंदर लाइटें लगाने जा रही है, हड्डी मिल अम्बेडकर नगर जिसको हमने नाम दिया है हड्डी मिल अम्बेडकर नगर से और बुल्लनपुरा चौराहे तक हम सुंदर लाइटें लगा रहे हैं, जिससे एक नए लुक आएगा। इंदौर में काम हो रहा है, वही काम गुना में होगा। शहर में बस स्टैंड के लिए 5 हेक्टेयर जमीन हमको ट्रांसपोर्ट नगर के सामने अलॉट हो चुकी है, हम बाहर बसें ले ट्रांसपोर्ट नगर के सामने बस स्टैंड ले जा रहे हैं और बसें भी 1 महीने के अंदर हमारी बसें आने वाली हैं। हमारा पैसा आ गया है, कमला बस सर्विस वालों को हमने 80 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं, 80 लाख रुपए बसों के आ गए, हम बहुत जल्दी 2-3 दिन में उनको ट्रांसफर कर रहे हैं राशि। ऐसी मामले को लेकर पहले विधायक जी ने भी थोड़ा आपसे बोला था कि वहाँ पे बाहर ना करें हम। नहीं नहीं, मेरा लो सुनो, वो डिपो बनाएंगे हम, वो डिपो बनाएंगे, बस स्टैंड जज्जी में ही है, हम डिपो बनाएंगे वहाँ, हम डिपो बनाएंगे। और ट्रांसपोर्ट नगर के भी हमने 700 प्लॉट 3500 रुपए फुट में जो 1990 में दिए थे हम उसको भी कर रहे हैं, और 225 प्लॉट हमने मौके पे जाके 3500 रुपए फुट में नाप के दे दिए हैं। उसमें हम एक सुविधा कर रहे हैं कि बनाने के लिए पानी का कनेक्शन ले लें, बिजली का कनेक्शन ले लें और 1 महीने में अपनी दुकानें बनाएं, और बाकी प्लॉटों को हम बहुत जल्दी अलॉटमेंट कर रहे हैं, ये 225 बन जाएंगे, उसके बाद में बाकी 225 फिर 225 में अलॉट कर देंगे, किसी की कोई भी प्लॉट हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, उनको सुविधा दे रहे हैं, नल कनेक्शन लें और बिजली का कनेक्शन लें, वो हम देने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं।
फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि FDDI गुना के पदाधिकारियों ने आज स्थानीय निजी होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में नोएडा से पधारी FDDI की एडमिशन विभाग प्रबंधक आरती सबरवाल ने पत्रकारों के सामने FDDI को लेकर कई महत्वपूर्ण तथ्य रखे। यहां उन्होंने बताया कि अब FDDI राष्ट्रीय महत्व का संस्थान यानी कि INI प्रमाणित हो चुका है, जो कि गुना वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने बताया कि 12वीं पास स्टूडेंट FDDI में विभिन्न कोर्सों के लिए एडमिशन ले सकते हैं, जिसके लिए बहुत जल्द ही एंट्रेंस एग्जाम भी आयोजित किए जाएंगे। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि जो भी छात्र छात्रा इस संबंध में ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो उनकी वेबसाइट www.fddi.india.com पर विजिट कर सकते हैं। इस मौके पर आरती सबरवाल के साथ FDDI गुना के केंद्र प्रभारी सौरभ अग्रवाल भी उपस्थित रहे। हम अभी भी प्लान कर रहे हैं एग्जाम प्रिपरेशन में भी हम जितना अवेयरनेस बच्चों को दे सकते हैं उतना अवेयरनेस हम हमारी साइड से बच्चों को दे रहे हैं। अब थोड़ा सा लोकल मीडिया अगर इसमें सहयोग करेगा तो बात और अच्छी बन जाएगी, क्योंकि चीज शहर के लिए है। FDDI एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूट है और ऑटोनोमस बॉडी है। FDDI को अभी INI का दर्जा मिला है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का। इस बार गुना में हम लोग बैचलर्स पे कुछ कोर्सेज लेकर आए हैं, बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन फुटवेयर रिटेल लेदर गुड्स एंड फैशन डिज़ाइन, और मास्टर्स में MDes इन फुटवेयर और MBA इन रिटेल मैनेजमेंट। MBA में हम लोग सिर्फ रिटेल कराएंगे, रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज। अभी हमारे 12 कैंपसेज हैं पैन इंडिया। गुना में हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया है, अभी हमारे पास सिर्फ 12 बच्चे हैं फुटवेयर में, बट क्योंकि तब हमारे पास फुटवेयर का ही कोर्स था, अब इस बार हम लोग नए कोर्सेज लेकर आए हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब है कि अब हमें ऑटोनोमी मिल गई है कि हम अपनी डिग्री खुद दे सकते हैं, हम अपने कोर्सेज खुद चला सकते हैं, कोर्सेज के नॉमनक्लेचर हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, करिकुलम हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। INI में हमें अब पूरी ऑटोनोमी है कि हम अपने कोर्सेज अपने हिसाब से चला सकते हैं। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री के लिए 12वीं पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, कॉमर्स आर्ट्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से, और अगर हम मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में बच्चे को ग्रेजुएट होना चाहिए। MBA के लिए किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएशन किया हुआ है तो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। MDes के लिए टेक्निकल ग्रेजुएशन चाहिए। एज में कुछ रहेगा? एज में अगर ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो एज लिमिट नहीं होता, 25 साल होता है, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो कोई एज लिमिट नहीं है। उत्कृष्ट विद्यालय में शुरू हुई वार्षिक परीक्षाएं यह दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे की पाली में रखी गई हैं। कक्षा 11वीं का आज हिंदी का पेपर संपन्न किया गया। आज दोपहर 1 बजे से 4 बजे की पाली में स्थानीय वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। आज कक्षा 11 का हिंदी विशिष्ट का प्रश्न पत्र है, जिसमें इस संस्था में दर्ज समस्त विद्यार्थी जो है परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। समस्त प्रश्न पत्र मंडल के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। जिले से जो मूल्यांकन केंद्र तय होंगे वहाँ से मूल्यांकन कार्य प्रारंभ होना है और 15 मार्च को उनका परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। सरेआम पिटता रहा युवक, तमाशबीन खड़े देखते रहे लोग, मूक दर्शक बनी पुलिस। पुलिस की कार्यप्रणाली पर फिर से लगा प्रश्न चिन्ह। आपको बता दें कि स्थानीय हनुमान चौराहे पर आज दोपहर में एक ऑटो चालक को 4-5 लोगों ने बुरी तरह से पीट रहे थे, जिसकी लोगों ने वीडियो तो बनाई पर उसको रोकने वाला कोई नहीं था। ऐसा नहीं कि वहां पर पुलिसकर्मी नहीं थे, पुलिसकर्मी भी वहां पर थे, लेकिन उन्होंने भी जहमत नहीं उठाई कि उस पिटने वाले टैक्सी ड्राइवर को बचाया जा सके। बमुश्किल टैक्सी चालक ने जैसे तैसे उनसे पीछा छुड़ाया। टैक्सी चालक ने बताया कि ट्रैक्टर चालक गलत तरीके से ट्रैक्टर चला रहा था, उसने गलत साइड काट दी जिससे ट्रैक्टर और ऑटो का एक्सीडेंट होने से बच गया।
जिसके लिए ऑटो चालक ने उसको बोला कि ऐसे क्यों चला रहे हो। तो इतनी सी बात पर ट्रैक्टर चालक ने चार पांच लोगों की मदद से उस टैक्सी वाले की मारपीट शुरू कर दी। समस्या पर है कि पुलिस आखिरकार वहां पर क्या कर रही थी और जो पुलिसकर्मी वहां थे वह इस घटना को क्यों नहीं रोक पाए। इन्हीं सब वजह से तो गुना में घटनाओं और अपराधों का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अपराधी बेखौफ अपराध कर रहे हैं। मेरा नाम सनी है, ट्रैक्टर वाला हमारे सामने चला रहा था और उल्टा उसने कट रहा था, मैंने उसको समझाया, उसके बाद मैंने चार पांच आदमियों को सबरों को बुलवा के नहीं मुझे पिटवाया, गाली उतार हुई और मुझे मारा। देखो लोज लोज भी गया बेचारा। डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।